मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी हो रही है। आपको बता दें, उनके बड़े बेटे डॉक्टर वैभव यादव की शादी राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर के भव्य रिजॉर्ट में होगी। इसके लिए उज्जैन में मृतक पूजन कार्यक्रम हुआ, अन्य वैवाहिक कार्यक्रम पुष्कर में ही होंगे। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात पुष्कर अब बेस्ट वेडिंग डेस्टिनी के रूप में भी पहचान बना रहा है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव भी अपने बेटे की यहीं से शादी समारोह कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्र वैभव यादव का यहां 2 दिन का शादी समारोह है। 23 और 24 फरवरी को यहां वीआईपी का जमावड़ा लगेगा। साथ ही आपको बता दें, 24 फरवरी को पुष्कर के रिजॉर्ट में शादी की मुख्य रस्म भी होंगी। सीएम मोहन यादव ने अपने पुत्र वैभव यादव के लिए एमपी की बहू पसंद की है। उनके पुत्र वधु हरदा जिले की रहने वाली हैं, जिनका नाम शालिनी है। आपको साथ ही बताते चलें कि सीएम के पुत्र का वैवाहिक आयोजन पूरी तरह से पारिवारिक रहेगा। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं और उज्जैन के पारिवारिक संबंध रहने वाले लोगों को निमंत्रण दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्य विवाह समारोह 23 और 24 फरवरी को पुष्कर के पुष्करा रिजॉर्ट में होगा। रिजॉर्ट के आसपास ही एक होटल भी बुक किया गया है। शादी समारोह के लिए वर और वधु पक्ष शुक्रवार को पुष्कर पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को हल्दी का कार्यक्रम होगा, जबकि 24 फरवरी को 7 फेरे लिए जाएंगे। शाम की शादी का रिसेप्शन होगा। साथ ही सीएम मोहन यादव पुत्र वधु शालिनी यादव हरदा के रोल गांव की हैं। उनके पिता सतीश यादव परिवार के सदस्यों के साथ पुष्कर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम मोहन यादव भी शुक्रवार को पुष्कर पहुंचने का प्रोग्राम है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ पर।